एलिफेंटा के महानगर मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र के 10 किलोमीटर अंदर स्थित एक टापू है, वहाँ पे ये एलिफेंटा केव का गुफा है। ये एलिफेंटा केव इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे एक विशालकाय हाथी की मूर्ति बनी थी, इसलिए यूनानियों द्वारा इस जगह का नाम एलिफेंटा केव रख दिया गया। तो दोस्तों हम लोग फाइनली CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंच गए हैं, तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म का इस तरह का लोकेशन है यहाँ का। दोस्तों मैं इस समय गेटवे ऑफ इंडिया के मेन गेट पे आ चुका हूँ। यहाँ से अपना जो बोट है, बोट राइडिंग के लिए हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का लोकेशन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये हमारे बोट का जो प्राइस है, किराया है, ये 260 रुपये पड़ा है। दोस्तों देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त यहाँ पे लोकेशन आगे देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अंदर का पूरा लोकेशन कुछ इस प्रकार का बोट के अंदर का देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों सामने से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बोटें हमारी जो दूसरे लोगों को लेके जाती हैं, आती हैं, वो चारों तरफ से इस तरह से आती हुई आगे आपको दिख रही होंगी। दोस्तों ये टोटल सफ़र हमारा 45 से 50 मिनट का होता है, उसके बाद हम एलिफेंटा केव के गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जो एलिफेंटा केव है, इस गुफा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। दोस्तों ये एलिफेंटा केव का गुफा पूरा एक विशालकाय पर्वत को काट के बनाया गया है। जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हैं, दक्षिण भारत की मूर्तिकला से ये सब प्रेरित है। दोस्तों इसके अंदर जो मुख्य हमारा मूर्ति लगी हुई है, वो भगवान शिव को समर्पित है। यूनानियों द्वारा दोस्तों एलिफेंटा केव घूमने के लिए अदर कंट्री से भी लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से बोटें आते रहती हैं और लोगों को सफ़र कराने के लिए लेके जाती रहती हैं। दोस्तों ये कन्वेंशन सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पे लगाया गया। दोस्तों ये जो आपको बोट सामने दिख रही है, ये मर्चेंट नेवी की बोट है। जो भी को भी आपातकालीन सिस्टम आपातकालीन काल में ये काम आने के लिए रखी गई हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से एक ओवरब्रिज का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। फिर दोस्तों धीरे धीरे हम अपने एलिफेंटा केव के बेहद ही करीब आने वाले हैं। वहाँ का लोकेशन आपको हम दिखा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम जो है अपना बीच बीच में लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो सके। चलिए दोस्तों हम अपना आगे का सफ़र शुरू कर चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो अपना मर्चेंट नेवी की शिप है, सामने से बहुत करीब से देखने के लिए मिलती है। दोस्तों देख सकते हैं कि अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही अधिक तादाद में जाते हैं, क्योंकि ये गुफा बहुत ही अंदर 12 किलोमीटर अंदर समुद्र के बीच में टापू पे स्थित है। चलिए दोस्तों मर्चेंट नेवी का शिप देखते हुए धीरे धीरे हम बहुत ही करीब आने वाले हैं और देखते हैं कि वहाँ का गुफा के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों देख सकते हैं जो टापू दिख रहा है, वहीं पे एलिफेंटा केव का गुफा देखने के लिए हमको मिलेगा। दोस्तों ये देख लीजिए, चारों तरफ से समुद्र के बीचों बीच में स्थित ये एक टापू है। दोस्तों आपको सामने जो दिख रहा है, वहाँ पर हमारी शिप जा के रुकेगी और उस हम पुल से होते हुए इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर एलिफेंटा केव का गुफा बना हुआ है। चलिए दोस्तों अपना सफ़र आगे का शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो में बने होंगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ के अलावा भारत के सभी ऐतिहासिक जगहों में घूम के वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। राजस्थान के सभी ऐतिहासिक जगहों का कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, ऐसे आदि जगहों का वीडियो आपको बना दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा शिप पहुंचने वाला है, हमारा बोट पहुंचने वाला है। धीरे धीरे हम यहां से पहुंचने के बाद आपको सारा वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों अगर मेरा अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप सभी वीडियो को देख के अपना प्यार दे सकते हैं। दोस्तों ये बताइए कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसको सुधारने की पूरा कोशिश हमारा हो सके। दोस्तों देख सकते हैं बहुत जल्द हम अपना बोट से पहुंचने वाले हैं और इसके बाद हम वहां का आगे का पूरा लोकेशन आपको दिखाने का पूरा कोशिश करेंगे।
दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा बोट बांधा जा रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आने के बाद हमारे बोटों को बांध दिया जाता है और धीरे धीरे पब्लिक उतर कर पुल के माध्यम से होते हुए एलिफेंटा केव के लिए चली जाती है। दोस्तों हम अब बोट से निकल चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बोट से निकलने के बाद का लोकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों जो ये हमारा पर्वत दिख रहा है, इसी के साइड में जो पर्वत है उस पर एलिफेंटा केव का गुफा बना हुआ है। ये जो पुल है उसके ऊपर आपको तमाम प्रकार की दुकानें देखने के लिए मिल सकती हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तमाम प्रकार की दुकानें देखने के लिए मिल रही होंगी। चलिए दोस्तों आगे का हम सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रकार की टॉय ट्रेन भी उपलब्ध हैं और दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का लोकेशन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये जो आपको पटरी दिख रही है यही टॉय ट्रेन की पटरी है और कुछ इस प्रकार से आपको सामने से आती हुई टॉय ट्रेन दिख रही होगी जिसकी प्राइस 10 रुपये है। आप टॉय ट्रेन का भी मज़ा ले सकते हैं। तो उसके बाद आगे आते हुए हम कुछ अन्य प्रकार की आपको दुकानें दिखाने के लिए रुक गए थे। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे सामान उपलब्ध है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का सामान को देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पे आपको समुद्र से निकले हुए पत्थर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से चारों तरफ इसको सजा के रखा गया है। फाइनली दोस्तों हम लोग 120 सीढ़ी चढ़ने के बाद एलिफेंटा गेट के मेन एंट्री गेट पे आ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से एलिफेंटा गेट का मेन एंट्री गेट है जो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। एलिफेंटा गुफा दोस्तों देख सकते हैं जो अपना ये दिख रहा है यही टिकट काउंटर है। यहाँ से आप एलिफेंटा केव के अंदर जाने का टिकट ले सकते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ का चारों तरफ का लोकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से ऊपर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। जहाँ से हम बोट से आए हैं वो लोकेशन वो पुल इस तरह से यहाँ से ऊपर से देखने के लिए मिल सकता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से इसको दृश्य दिख रहा है। दोस्तों सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक विशालकाय तोप रखी हुई थी। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ताकि आगे के समय में किसी भी चीज़ को निगरानी करने के लिए यहाँ से आसान रहता था। सबसे ऊपरी पर्वत का इलाका है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का आपको लोकेशन देखने के लिए मिल सकता है। सबसे टॉप व्यू पे इस समय मैं खड़ा हूँ। यहाँ से चोटी का सबसे आखिरी छोर है और कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का लोकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे तमाम प्रकार के नीचे घर भी बने हुए हैं और झील भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए आपको जूम करके दिखाने के बाद देख सकते हैं तमाम प्रकार की अभी छोटी छोटी बस्तियाँ भी यहाँ पर बसी हुई हैं इस पहाड़ के बीचों बीच में। तो हम धीरे धीरे अब एलिफेंटा केव के अंदर आने वाले हैं। गुफे का जो गुफा का मेन एंट्री गेट है कुछ इस प्रकार से आपको सामने से देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों हम अब अंदर चल के यहाँ पे भगवान शंकर की जो प्रतिमा को स्थापित किया गया है इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेन गेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों देख सकते हैं कि हम इसके गुफा के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ की जितनी मूर्तियाँ हैं अलग शासक द्वारा इनको खंडित कर दिया गया है। काफ़ी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का गुफा के अंदर घुसने के बाद प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्तों हम आपको मुख्य जो शंकर जी की मूर्ति की प्रतिमा को स्थापित किया गया है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये चारों तरफ की जो खंडित मूर्तियां हैं देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपको गुफा के अंदर मिल सकती हैं। दोस्तों बेहद ही बारीकी से गुफा के अंदर इन मूर्तियों को पहाड़ को काट के बनाया गया था लेकिन किसी अदर शासक द्वारा इस मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं कितनी बारीकी से मूर्तियां बनाई गई थी लेकिन सभी मूर्तियां खंडित हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं जो मुख्य अपनी प्रतिमा है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे तमाम मूर्तियां को खंडित कर दिया। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सभी खंडित मूर्तियाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों इसके अंदर शंकर जी का एक शिवलिंग भी स्थापित है। दोस्तों वो
कुछ इस साइड बगल में स्थापित है, वहाँ पर लोग फोटो खिंचवाने में लगे पड़े हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सारी खंडित मूर्तियाँ बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तमाम गुफा के अंदर कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई गई थी, काफ़ी अंधेरा होने की वजह से सही से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब तमाम बारीकी से मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो कि सभी मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं, वो टूटी फूटी अवस्था में अभी भी उपलब्ध हैं। दोस्तों हम घूमते घूमते गुफा से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं गुफा का कुछ इस तरह का बाहरी पूरा व्यू देखने के लिए मिल सकता है। कुछ इस प्रकार से ये पर्वत की बड़ी चट्टान को काट के गुफा बनाया गया। दोस्तों हम उसके बाद धीरे धीरे इस दूसरी साइड में आ चुके हैं गुफा के। गुफा के दूसरी साइड में आने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें एक बैठने के लिए जगह मिल सकता है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पूरा इलाका का व्यू देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं किस किस प्रकार की यहाँ पे अंदर गुफाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की भी कुछ गुफाएं हैं, आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा पुल है उससे हम बाहर आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से सारा चोटी देखने के लिए आपको मिल सकता है, पूरा पीछे का इलाका इस तरह से देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे व्यू पॉइंट अच्छा था सभी लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए तथा समुद्र के लहरों का आनंद उठाने के लिए आए थे, तो मैं भी दोस्तों आके यहाँ पे मौज मस्ती किया। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का आपको लोकेशन में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो जो पुल दिख रहा है उसी पुल के माध्यम से हम लोग पूरा गुफा के अंदर गए थे। दोस्तों चलिए मैं और इसके साथ साथ दोस्तों घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया था, तो हमारी बोट जाते टाइम पूरा नाइट हो गया था। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हम पुल बोल रहे थे बन रहा है पुल, इस तरह से उसका पूरा लोकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों रात के टाइम का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रहा था। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये मुंबई का पूरा लोकेशन है कुछ इस प्रकार से सजी हुई मुंबई आपको देखने के लिए नाइट व्यू देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो सही लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।